हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर के गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने भेजा इस्तीफा, बोले आज ही करो मंजूर। सरकार के कामकाज और मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे हैं हेमाराम। वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने मंगलवार दोपहर विधायक पद से इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजकर आज ही मंजूर करने का लिखा है। बकौल हेमाराम इस्तीफा मंजूर होने के बाद वे कारण बताएंगे। हेमाराम सरकार बनने के बाद से ही नाराज हैं। इससे पहले भी वे एक बार इस्तीफे की पेशकश कर चुके, लेकिन मंजूर नहीं किया गया था। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गढ़ के विधायक हैं। गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने पत्रिका को बताया कि उन्होंने अपना इस्तीफा दोपहर में 1:30 बजे ईमेल के जरिए विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेजा है और उनके पीए को व्हाट्सएप कर दिया है। इस्तीफा आज ही मंजूर करने का उल्लेख किया है। इस्तीफा देने का कारण फिलहाल नहीं बताने का कहते हुए हेमाराम ने कहा कि इसका क्यास मीडिया ही लगाए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को विधानसभा सदस्यता से त्याग पत्र भेज चुका हूं। खुलकर खड़े रहते थे पायलट के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व सचिन पायलट के बीच हुई खींचतान के दौरान गुड़ामलानी विधायक हेमाराम चौधरी ने गहलोत का खुलकर विरोध किया और सचिन पायलट के साथ खड़े हुए। उस दौरान उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को बचाना है तो नेतृत्व बदलना बहुत जरूरी है। हालांकि उस दौरान उच्च स्तरीय सुलह के बाद मान गए। मंत्रिमंडल गठन के दौरान भी हुए नाराज। हेमाराम चौधरी को सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने के बाद उस दौरान भी समर्थजनों में नाराजगी देखी गई थी। उस वक्त जोधपुर हेमाराम के निवास स्थल पर सैकड़ों की संख्या में समर्थजन एकत्रित हुए और चेते विधायक को मंत्री बनाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे दिए थे। उसके बाद लगातार अशोक गहलोत खेमे से नाराज रहे। छठी बार बने हैं विधायक हेमाराम चौधरी। गुड़ामलानी से 6 बार विधायक चुने गए हैं। पूर्व में परिवार कल्याण मंत्री एवं राजस्व मंत्री रह चुके हैं। राज्य की राजनीति में हेमाराम कदावर नेताओं में माने जाते हैं। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।